हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रीति और आज हम बनाएंगे सिल्क वर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्रीन पेपर लेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करके लीव्स का डायग्राम बनाएंगे। इस पर ऐसे बन गया। अब इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये कट हो गया। अब इसे हमें फोल्ड करना है। ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर पलट के पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे दोनों साइड को पलट पलट के फोल्ड कर लेना है पूरा। एक बार इस साइड तो दूसरी बार उस साइड को फोल्ड करना है। ऐसे ये पूरा फोल्ड हो गया। अब इसको ओपन कर लेंगे ऐसे। अब एक टिश्यू पेपर लेंगे और किनारे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। मैंने एक ये पेन का रिफिल लिया है। आप कुछ भी ऐसा इतना पतला चीज ले सकते हैं, बहुत पतला चाहिए। इसके लिए मैंने पेन का रिफिल यूज किया। इसमें ऐसे बीच में रखे ऐसे रोल करेंगे इसे। पेपर को अच्छे से टाइट करते हुए पूरा रोल कर लेंगे। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आपको जल्दी मिल सके। पेपर को अच्छे से टाइट करके फोल्ड करेंगे, पूरा ऐसे रोल करेंगे। ये रोल हो गया। अब किनारे पे ग्लू लगा के पेस्ट कर लेंगे। ऐसे अब दोनों ऐसे दोनों साइड से पकड़ के अच्छे से टाइट बीच में प्रेस करेंगे ताकि उस पर मुड़ने का निशान आ जाए। ऐसे टाइट प्रेस करना है बीच में और रिफिल को बीच से निकाल लेंगे ऐसा। अब ब्लैक स्केच से आगे का माउथ बनाएंगे इसका। ये हम कीड़ा बना रहे हैं। ऐसे आगे बन गया माउथ इसका। अब पूरे बॉडी पे डॉट डॉट करेंगे। ऐसे ऐसे ये बन गया। अब इसे साइड करेंगे। अब ग्रीन पेपर छोटा लेंगे। अब कोई भी मोटा चीज से रोल करेंगे थोड़ा। ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, जितना मोटा मैंने लिया है उतना ऐसे रोल करेंगे। बीच में स्पेस होना चाहिए इसके। इसको चिपका के ग्लू से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अब इसके एक साइड ग्लू लगा के लीव्स के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे।
अब एक और ग्रीन पट्टी लेंगे ऐसे, एकदम पतला पतला फोल्ड करना है ऐसा, जितना पतला हम कर रहे हैं। इसको 3-4 फोल्ड करना है ऐसे ताकि पेपर कड़क हो जाए थोड़ा। ये ऐसा हो गया, अब ग्लू लगा के चिपका लेंगे किनारे पे। और एक्स्ट्रा पेपर जो है उसे कट कर लेंगे। ऐसे ऐसे बीच में ऐसे ऐसे घुसा देंगे। ये देखिए, आप ये देखे होंगे ना, कीड़ा देख के डर लग रहा है। अब इसके आगे के साइड नीचे ग्लू लगा के इस पट्टी पे चिपका देंगे। और पीछे वाला पार्ट रोल पे रख के चिपकाएंगे। इस पे ऐसे रख के चिपका देंगे, चिपका के थोड़ी देर सूखने देंगे। अब ऐसे ये बन के रेडी हो गया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।